अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट फिफ जेट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम ज्यादा अच्छा नहीं खेल सकी, एक मैच हाथ में आया लेकिन निकल गया। लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट हैं जो शायकीन के ही जहनों में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन के जहनों में भी नक्श हो गए हैं। उसमें एक आउट ट्रेविस हेड का भी था। मीर हमजा ने जब वो आउट किया तो हर जगह ये बात हो रही थी कि अनबिलीवेबल, ऐसा आउट जो यकीनी तौर पर मुद्दत तो याद रखा जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मीर हमजा। मीर, आपको वेलकम करूंगा शो में और जानना चाहूंगा, पहले तो ट्रेविस हेड के इस बोल्ड की बात कर लेते हैं, फिर बाकी परफॉर्मेंसेस पे करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू शुएब भाई, आपने मुझे अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रेविस हेड का आउट था, मेरे ख्याल से वो भी मेरी जिंदगी का सबसे यादगार आउट होगा। बेसिकली जब हमारी इनिंग खत्म हुई तो एक तो हमें ये फील होना शुरू हो गया था कि हम इस मैच में वापस आ गए हैं। तो मैं अपने आप से यही अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि अगर यहाँ पे आपने अपनी टीम को एक दो आउट दिलवा दिए तो यहाँ पे मैच चेंज हो सकता है। और वार्नर जब आउट हुआ तो फिर ट्रेविस हेड के लिए हमने प्रॉपर आउटस्विंग वाली फील्डिंग ली थी, 3 स्लिप एक गली खड़ी करके। इवन हमने स्क्वायर लेग भी नहीं लिया हुआ था, उसको हमने पूरा एक वो सीन दिखाया कि हम जो है आपको बीच से आउटस्विंग करेंगे। और मेरे ख्याल से वो रेडी भी उसी के लिए था, लेकिन मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अगर ये, क्योंकि पहली बॉल है तो बैट्समैन रेडी नहीं होते, अगर मैं यहाँ इसको जगह से अंदर लाऊंगा तो शायद ये मुश्किल करेगी। और एग्जैक्टली वही हुआ है और मेरे ख्याल से वो मेरी जिंदगी की सबसे यादगार विकेट है। यानी कि आपने ट्रैप किया, फील्ड आउटसाइड का लिया कि आउटसाइड बाहर निकालेंगे गेंद और गेंद अंदर लाके उसको ट्रैप किया, ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होता है। आमतौर पर जब आप आउटस्विंग की फील्ड लेते हो तो आप इनस्विंग नहीं करते क्योंकि आपके लेग स्टंप पे कोई फील्डर नहीं होता। तो वो भी इसी के लिए रेडी था क्योंकि बॉल नया था और मेरा नेचुरल स्विंग भी आउटस्विंग ही होता है लेफ्टीज के लिए। तो मेरे ख्याल से वो रेडी यही था, लेकिन मैं रिस्क लेने के लिए तैयार था। मैंने कहा अगर ये बॉल एक्यूरेट नहीं भी होती तो मुझे एक चौका लग जाएगा जिसकी मुझे कोई टेंशन नहीं हो, क्योंकि लेग स्टंप पे कोई फील्डर नहीं था। लेकिन मैंने कहा अगर यहाँ से मुझे विकेट मिलती है तो ये ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो है ना पूरी प्रेशर में आ जाएगी, तो आप उसको ट्रैप ही कह सकते हैं कि वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था और बॉल कुछ और हो गई थी। मार्च को 96 पे आपने आउट किया, ऐसा लग रहा था कि वो सेंचुरी बना जाएंगे, बट आपने 96 पे उसको पकड़ लिया। जी बिल्कुल, मुझे उससे पहले जैसे ही वो 80s में पहुंचा, जब मैं अटैक दोबारा बॉलिंग के लिए आया, तो मुझे यही बताया कि इस ग्राउंड पे जो उनके फादर हैं वो भी 90s में आउट हुए हैं, शॉन मार्श भी 90s में आउट हुए हैं। तो मेरे ऐसी दिमाग में आ रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे भी मुझे एक विकेट मिल सकती है। और उससे पहले मुझे उसने बाउंड्री भी मारी तो बॉल भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। अब मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसको सीम करूं, अगर यहाँ से एक बॉल भी सीम हो गई तो फिर आउट होने के चांसेस हैं। और एग्जैक्ट 96 रन पे जो है ना वो भी आउट हो गए थे। अच्छा चलिए, ये तो अच्छी अच्छी बात हो गई। एक विकेट तो आपको ऐसा लगा कि वो बैट्समैन आपको बिल्कुल लाइट ले रहा है, उसने चलते हुए आपको मारा और फिर वो बाबर आजम ने उनका कैच पकड़ लिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो क्या वाकई आपको खेलना इतना आसान था या वो भी आपकी ये ट्रैपिंग पॉलिसी जो है वो थी? मेरे ख्याल से शुएब भाई, अगर खेलना आसान होता तो मेरी इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग नहीं होती। आप अगर मेरे तीनों इनिंग्स उठा लें तो मैंने शायद 1.5 और 2 के अंदर अंदर ही जो है ना सारी बॉलिंग की है। मुझे ऐसा फील हुआ कि ऑस्ट्रेलियंस जो है वो सेम स्विंग पे फंस रहे हैं और मेरी कोशिश भी यही थी कि उनको ऐसी बॉल करूं, लेकिन क्योंकि वो 70 ओवर बॉल पुराना हो गया था और सिडनी की पिच स्लो थी बनिस्बत मेलबर्न और पर्थ की, क्योंकि जब बॉल आता नहीं है आमतौर पर तो बैट्समैन उस पर आगे चढ़ के खेलने की कोशिश करता है जिसमें बैट्समैन को ज्यादा आउट होने के चांसेस होते हैं। तो मेरी शान भाई से यही बात हो रही थी कि अगर हम इसको यहाँ पे 3 फील्डर फ्रंट पे रखते हैं और उसको ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करते हैं तो ये इसको खेलने जाएगा, क्योंकि हमने दोबारा इसी तरह बिल्कुल लेग स्टंप खाली रखा हुआ था। तो अगर आप उसकी इनिशियल मूवमेंट देखेंगे, स्टीव स्मिथ प्रॉपर जो है वो ऑफ स्टंप की तरफ गया है मुझे शॉट ये मारने के लिए, लेकिन जब बॉल बिल्कुल बाहर थी तो उसने वहीं से ही मारी है और एक तरह से वो भी इसी तरह ही ट्रैप होके आउट हुए। तो ये ट्रेविस हेड हो या स्टीव स्मिथ हो, दोनों मरतबा फील्ड प्लेसमेंट आपकी थी, मीर हमजा की थी। अगर ट्रेविस हेड की बात करें तो वो पूरी फील्ड प्लेसमेंट मेरी थी, लेकिन अगर स्टीव स्मिथ की बात करें तो वो मेरी और शान भाई हमने आपस में बात की थी। मैंने शान भाई को यही कहा कि इस फील्ड से ये लोग आउट नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल प्रॉपर फील्ड है, अगर हम इसके लिए कुछ अलग करते हैं। तो शान भाई ने मुझे कहा अगर हम इसको बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर फील्ड रख के बॉल करते हैं तो शायद इसमें विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उसमें हमने फ्रंट पे 2 फील्डर खड़े किए, तो जब एक बॉल हुआ तो फिर मैंने शान भाई को कहा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 फील्डर जो है ना यहाँ कम है। फिर बाबर ने मुझे बताया कि 3रा फील्डर और ले लो, स्क्वायर लेग बिल्कुल खाली कर दो। तो मेरे ख्याल से
जब वहां ने तीसरा फील्डर खड़ा किया है तो स्टीव स्मिथ बिल्कुल इजी हो गया था, क्योंकि पिच में कुछ इस तरह था नहीं कि मैं उसको लेग स्टंप पे भी इजीली खेल सकता हूँ, यहाँ से ऑन दी अप भी खेल सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं और शान भाई ने आपस में मिलकर ये मशवरा किया कि आगे तीन फील्डर रख लें। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, आपने बॉल कराई तो उसकी स्पीड 118 थी, उसका स्क्रीनशॉट लेके हर जगह वो डिस्कस किया गया कि मीर हमजा की तो स्पीड ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में तो पेसर चाहिए होते हैं, मीर हमजा की स्पीड जो है वो 118 आ रही है, क्या वाकई आपकी स्पीड नहीं है? मेरे ख्याल से शुएब भाई, पहले तो जितना क्रिटिसाइज होता है पहले तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे स्किल्स का पता है और मुझे ये भी पता है कि मैं किस चीज़ से बैट्समैन को डिस्टर्ब कर सकता हूँ। और जहाँ तक बात 118 या इवन 117 शायद मैंने बॉल की है, वो अगर आप देखो तो वो मैंने पेस वाली बॉल नहीं की है, वो मैंने स्लो वन की थी, जिसको उठा के इन्होंने जो है ना वो सामने ये दिखाया कि इसकी स्पीड इतनी है। लेकिन अगर आप बात करो मेरी सिडनी में मैचेस की, तो शायद किसी ने ये नहीं दिखाया कि मेरी पेस जो मैक्सिमम पेस आई है वो 139.1 आई है, और मैं जब वहाँ पे बॉलिंग कर रहा था तो मैं ज़्यादातर बॉलें जो उधर कर रहा था वो 134, 35, 36 पे कर रहा था। लेकिन स्टिल मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि पेस से बैट्समैन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता अगर कोई सीम स्विंग वाला बॉलर है। अगर मैं 130 या 35 या 38 पे बॉल करूँ लेकिन अगर वो सीम स्विंग नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से बैट्समैन उस पर इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर मेरी बॉल स्विंग सीम हो रही है, इवन 132-133 पे भी हो रही है, तो बैट्समैन उस पर ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। मैग्रा ले लें, मोहम्मद आसिफ ले लें, सीमर थे, अब मीर हमजा को भी ले लें, आप समझते हैं कि अगर मैग्रा पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान वाले इस पर भी तनकीद करते रहते कि उसकी स्पीड नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर एक सीमर के पास स्पीड नहीं होती, उसका स्विंग होता है। मेरे ख्याल से आप देखें कि कोई भी बॉलर हो, इवन अगर मैग्रा पाकिस्तान में होते हैं या इवन यहाँ पे भी जितने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, चाहे वो पेस बॉलर्स हो या सीम स्विंग वाले हों, अगर कोई किसी मैच में बुरी बॉलिंग करता है तो उसके लिए ये बोलना शुरू कर देते हैं कि देखो इसकी तो पेस नहीं है, और अगर वो अगले ही मैच में आउट करते तो उसको कहते हैं यार ये तो वर्ल्ड क्लास बॉलर हमें मिल गया। तो ये तो ये चीज़ें चलती रहती है। और जहाँ तक आपने मैग्रा की बात की, उससे मुझे एक स्टोरी याद आई है। जब मैंने 3 आउट किए थे उस दिन, तो एंड ऑफ द डे मेरा इंटरव्यू था ग्लेन मैग्रा के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया के किसी लोकल चैनल के साथ के लिए। तो पहले तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं इतने बड़े लेजेंड के साथ मिल रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट समवन कैन स्विंग द ड्यूक बॉल बोथ वेज, बट हाउ कैन यू स्विंग द कोकाबुरा बॉल ऑन बोथ वेज, तो उससे मैं हैरान रह गया कि अगर आपको इतना बड़ा बॉलर आपकी स्किल की तारीफ कर रहा है तो मेरे ख्याल से फिर क्रिटिसिज्म की तो कोई बात कोई वो बचती नहीं है। तो उससे मुझे ऐसी बातों से और ज्यादा बूस्ट मिलता है। पर्थ की विकेट हमेशा बॉलर्स के लिए साजगार होती है, समझते हैं कि आप पर्थ में होते तो आपकी ये जो विकेटें हैं इनकी तादाद भी ज्यादा होती है और पाकिस्तान को उसका फायदा भी होता। बिल्कुल, मैं 100% कहूंगा कि मेरी विकेटें तो अपनी जगह, लेकिन अगर मैं खेलता, क्योंकि वो पिच बहुत ही अच्छी थी फास्ट बॉलिंग के लिए, वहाँ पे बॉल कट रहा था और मेरा दिल भी था खेलने का, लेकिन जाहिर है इन दी एंड डिसीजन तो कैप्टन और कोच का होता है, वो टीम को अपने पूरे टीम के लिए सोचते हैं कि इस पिच पे हमें कितने पेसर्स खिलाने चाहिए, जो भी है। लेकिन एज अ फास्ट बॉलर अगर आप किसी बैट्समैन से पूछो अच्छी बैटिंग पैराडाइज हो, तो वो कहेगा कि काश मैं इस पिच पे खेलता और मैं पाकिस्तान के लिए स्कोर करता। सेम मेरी भी यही फीलिंग है कि एज अ फास्ट बॉलर अगर मैं पर्थ पे खेलता तो मैं उस बॉलिंग को बहुत इंजॉय करता, और अगर शायद मेरा स्पेल लगता तो इन दी एंड पाकिस्तान का फायदा होता। मेलबर्न टेस्ट हमारे हाथ से आके निकल गया, क्यों निकल गया मैच? अश्वेब भाई, क्रिकेट मेरे ख्याल से जितनी मैंने 14-15 साल क्रिकेट खेली है, आपने मुझसे डबल ज़्यादा क्रिकेट देखी है, और तो मेरे ख्याल से क्रिकेट नाम ही इसी चीज़ का है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये मैच हम जीत रहे हैं, लेकिन अचानक जो है एक पार्टनरशिप लगती है और फिर वो मैच वो टीम हार जाती है। सेम कभी हम हार रहे होते हैं और फिर एक अच्छा स्पेल या एक पार्टनरशिप की वजह से जो है ना टीम वापस गेम में आ जाती है। सेम मेलबर्न में जब हमने 16 पे 4 आउट किए, तो उस वक्त हमें ये फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि अगर हमने इनको 100 रन के अंदर अंदर आउट कर दिया, और जिस तरह हमारे बॉलर्स बॉल कर रहे थे, तो हमारे पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो मैच जीतने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम अपॉर्चुनिटीज थी उनको हम ग्रैब नहीं कर पाए, जिसके बाद जाहिर है ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने जिस तरह बैटिंग की, तो वो बहुत हमसे एक तरह से जो हम टारगेट सोच रहे थे उससे काफ़ी आगे चले गए। डोमेस्टिक में हम देखते हैं तो आप
विकटों के तो आपने अंबार लगाए हुए हैं, अभी भी 32 विकटें लेकर आप जो है ना वो गए थे दोबारा टेस्ट में, रन भी आप बना लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा लगता है कि आपका बल्ला रन बनाना ही भूल जाता है, क्या प्रेशर होता है या क्या ऐसा मामला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके बल्ले थे वो रन नहीं बन रहे? अब पूरी दुनिया में मॉडर्न डे क्रिकेट में टेल 25-25, 30-30 रन ऐड करती है कि वो तो सेंचुरियां बना के चले जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट की अब रिक्वायरमेंट यही आ गई है कि आप अगर जेन्युइन फास्ट बॉलर भी हैं तो आपको टीम के लिए 25-30 रन बनाने आने चाहिए। और बिल्कुल जो लास्ट सीजन मेरा डोमेस्टिक का हुआ है उसमें मैंने काफ़ी 30-30, 35-35 करके काफ़ी टीम के लिए रन भी किए और मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रैक्टिस भी काफ़ी की थी। लेकिन बात यह है कि आपको टीम के लिए क्या ज़रूरत है कि आप जिस नंबर पे खेल रहे हो, आपके साथ अगर एक जेन्युइन बैट्समैन खेल रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप जो है अपनी विकेट बिला वजह ना गुमाओ। तो मेरी कोशिश यही थी कि जब मैं आमिर जमाल के साथ बैटिंग कर रहा था, क्योंकि आमिर जो है वो मुझसे एक तरह से, क्योंकि वो ऑलराउंडर है तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है, तो मेरी मुझे रोल ये दिया गया था और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जहाँ तक मैं आमिर के साथ रह सकता हूँ उतना ही टीम को फ़ायदा होगा। बिल्कुल मैं रन बना सकता था लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से टीम की रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि मैं खुद रन बनाने जाऊँ, क्योंकि आमिर ऑलरेडी रन बना रहा था। और शायद मैं ये सोचता हूँ कि वो मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था, इसी वजह से हमने रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी कायम की वहाँ। इसी ग्राउंड पे न्यूजीलैंड के खिलाफ आप खेल रहे थे, सबको आप बीट कर रहे थे बट विकेट नहीं मिल रही थी। फिर मेलबर्न की पहली उसमें सेशन में या पहले दिन जो आपकी बॉलिंग थी नहीं इतनी ज़्यादा कामयाबी मिल पा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि यार अब ये मैच मेरा ख़त्म हो रहा है, मेरा ये करियर शायद इसके बाद मुझे दोबारा मैच ना मिले। मैं अगर शुएब भाई आपको सच बताऊं, ऑन रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूं कि जब मैं मेलबर्न का मैच खेल रहा था तो उस मैच के स्टार्ट में मॉर्निंग में मैंने अपने आप को बता दिया था कि मीर हमज़ा साहब ये आपका आखिरी मैच है, आप अगर इसमें परफॉर्म करोगे तो फिर शायद आप कंटिन्यू करोगे, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आगे खेलने के, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस जनवरी में पिछले साल 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका था, मैंने आउट नहीं किए, नो डाउट अगर मैंने अच्छी बॉलिंग की है लेकिन इन दी एंड रिजल्ट काउंट होता है कि आपने कितने टीम के लिए आउट किए हैं। तो मैं अपने इस अपॉर्चुनिटी को आखिरी अपॉर्चुनिटी समझ रहा था। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब मैंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अनलक्की रहते हो। जब मैंने मेलबर्न में पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की तो वो मेरे जो करीबी दोस्त थे उन्होंने मुझे कॉल की कि यार मुझे लग रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके लिए लक आपके लिए साथ नहीं दे रही। तो जब मैंने अगले दिन 3 आउट किए तो मैंने खुद उनको कॉल की है और मैंने उनको कहा कि अब देख ले यहाँ से मेरी क्रिकेट विकेट स्टार्ट हो गई है। वो बहुत खुश भी हुए थे, जाहिर है वो मेरे काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं, मेरे हमदर्द भी हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल मैं अनलक्की रहा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी विकेट स्टार्ट हो गई है। PSL आ रही है, PSL का सबको इंतज़ार होता है, PSL का लास्ट एडिशन आप एक ओवर करा सके और फिर इंजरी का शिकार हो गए, अगर मैं गलत नहीं हूँ पहले ही मैच में इंजरी का शिकार हो गए, वो लम्हा कैसा था? और अब PSL आ रही है क्योंकि आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके ऊपर एक छाप लग गई, आप रेड बॉल के बॉलर हैं तो समझते हैं कि वाइट बॉल के लिए आपका दरवाजा खुल सकता है। शुएब भाई लास्ट PSL की बात करूंगा, जब हम पहला मैच खेल रहे थे तो पहले मैच से पहले हमने एक दो दिन नेट प्रैक्टिस भी की और उस दिन हमने वार्म अप भी किया, तो उस नेट प्रैक्टिस में जो हमारे टीम डायरेक्टर थे वसीम भाई, वसीम अकरम, वो हमें देख रहे थे और इवन वार्म अप में भी वो मुझे देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मीर हमज़ा आपको ज़्यादा वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जिस तरह बॉडी लग रही है, जैसे बॉल स्विंग हो रही है, कह रहे हैं मुझे इंशाल्लाह ये यकीन है आप पे कि आपका इस PSL में आप बड़े अच्छे अच्छे बॉलिंग फिगर्स आपके आएंगे और टीम को बड़ा फ़ायदा होगा। कह रहे हैं अभी आप रेस्ट कर रहे हैं, आप मज़ीद अब आपको कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है वार्म अप में। तो वो मेरे ख्याल से मैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी था लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ कि मैं पहले ही ओवर में इंजर्ड हो गया और 2 ओवर में मैंने शायद बॉलिंग भी अच्छी की थी, लेकिन बात यह है कि जब इंजरी के बाद मैं वापस घर गया तो पहले 2-3 दिन तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इंजर्ड हो गया हूँ। और दूसरा, फिर मैं आपको सच बताऊँ, मैंने कोई PSL का मैच नहीं देखा, क्योंकि जब मैं मैच देखता था